पंजाब हुकूमत पोल्ट्री माफिया को काबू न कर सकी। ब्राला मुर्गी का गोश्त 700 से 750 रुपए किलो में फरोख जारी है। सरकारी कीमत 594 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। ब्रायलर मंडी और ओपन मार्केट में नाजायज़ मुनाफाखोरी का सिलसिला जारी है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। अब बिल्कुल, कई रोज़ गुजरने के बावजूद भी पंजाब हुकूमत पोल्ट्री माफिया पर काबू नहीं पा सकी। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट और ब्रायलर मंडी के अंदर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगे दामों बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट की आज की अगर हम बात करें तो 700 से लेकर 780 रुपये के दरमियान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर हम जिंदा ब्रायलर की बात करें तो वो भी ब्रायलर मंडी जो बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के करीब सुबह के औकात में लगती है, वहाँ पे भी सरकारी रेट लिस्ट पर जो ब्रायलर मुर्गी है वो दस्तयाब नहीं है। ब्रायलर मंडी से शुरू होने वाली ये ख़राबी शहर लाहौर के अंदर तक फैल चुकी है और पूरे लाहौर के अंदर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। आप किसी भी इलाके की बात कर लें, उसमें गुलबर्ग, डिफेंस कैंट, शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर और लाहौर का जो मशरकी इलाका है, इन एरियाज़ के अंदर भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 से लेके 780 रुपए के दरमियान बेचा जा रहा है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की नाक के नीचे यानी गुलशन रावी, बंद रोड, इस्लामपुरा, सनत नगर और शाम नगर के इलाके भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से सिर्फ प्राइस लिस्ट जारी की जा रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम नज़र नहीं आते। चंद एक को जुर्माना करके ज़िले इंतज़ामिया ये रिपोर्ट देती थी है कि सब अच्छा है, बहुत फाइन किए हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा। आज भी शहरी ब्रायलर माफिया के हाथों लुट रहे हैं। तकरीबन 700 से लेके 780 रुपये फ़ी किलोग्राम के दरमियान गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फ़ौज इस ग्राम फरोश माफिया के सामने बिल्कुल बेबस होती हुई दिखाई दे रही है और लाहौरियों को ग्राम फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जी।